आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। क्लास स्टार्ट हो चुका है आप सभी का करेंट अफेयर का, और कल पूरा का पूरा करेंट अफेयर जो है वो फरवरी के महीने का जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं थोड़ा सा भी फुर्ती दिखाओ थोड़ा एग्जाम को लेकर। एक बात याद रखिएगा, कल के बाद यानी कल के बाद आपका 20 का जनवरी और फरवरी ये दोनों महीने का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और जनवरी का पीडीएफ दे चुका हूं, कल फिर दे दूंगा फरवरी के साथ, यानी दो महीने का पीडीएफ कंप्लीट अप टू डेट कर दूंगा। पीडीएफ लेकर अचार मत डालिएगा, कल कम से कम रात को ना या परसों सुबह या शनिवार को, कल शुक्रवार है ना, शनिवार को ही, शनिवार को 40 मिनट कम से कम टाइम देकर ना आप पूरा पीडीएफ एक बार रट्टा मार लेना, इतना काम कर लेना, वरना ये 40 मिनट का बोझ एग्जाम के टाइम पर बहुत भारी पड़ेगा। तो कम से कम कल दो महीने का पूरा एक बार रिवीजन कर लेना। मैं यहां पर हमेशा बोलता हूं, अपने आप को जज करो कि कितने आंसर आप सभी सही दे पा रहे हैं, और फटाफट कराऊंगा। और हमारा कल कौन सा डेट है, कल आपका 16 तारीख है, ठीक है। हमारे पास अभी कितना दिन बचा है, 17 आपका शनिवार, 18 आपका रविवार, ये दो दिन छोड़ दो तो 19 तारीख से आपका मंडे है। इस महीने में आपका मार्च और अप्रैल भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, रात को 11:30 बजे वाला, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड कराऊंगा, ये नहीं कि बहुत फटाफट, थोड़ा सा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं, जज करना है, मैं कमेंट्स देखूं बीच बीच में या ना देखूं, आप सभी कमेंट करना मत छोड़ना, ये कमेंट करने का आदत ही आपके ऊपर कमांड बनाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने। यहां पर बोल रहा है JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आप सभी का एम्बेसडर, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और भैया कंपनी तो बहुत सारा है, किसका पढ़े, मैं बोलूंगा आपको जो एग्जामिनर है ना किसी का भी नहीं पूछ देगा, वही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछता है जो करेंट अफेयर में पिछले 5-6 साल में चर्चा का विषय रहता है। तो ये कम से कम पढ़िएगा, इसका आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली या यूवी चहल, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूं, अपना कॉमेंट करना, जज करना, बीच बीच में मैं एक बार ना कॉमेंट चेक करूंगा, चलो बीच बीच में एक बार कमेंट चेक करूंगा, बिल्कुल सही है। रीजनिंग क्लास नवंबर से पहले आपका पूरा रीजनिंग, नवंबर क्या 15 तारीख से पहले आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसको लेकर टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो यहां पर 22वां इंडिया इंटरनेशनल फूड सी किस शहर में आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। इंटरनेशनल सी फूड शो इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, 22nd इंडिया इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोची, आंसर फटाक कर आंसर क्या बोलिएगा आपका, कोची। भैया टाइम नहीं दे रहे हो आप, देखो ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपना घड़ी देख लो, 20 से 22 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं। दीपक भूल गया, दीपक चलो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कोची, बिल्कुल। आप कमेंट्स में देखते रह रहा हूं, आप लोग सभी कमेंट्स करते रहना, ठीक है। चलो और एक बात, कोची का लोकसभा सीट, कोची कहां पड़ता है भैया, केरला में कोची पड़ता है, केरला का लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 19, यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एग्जाम में बड़ा कर क्वेश्चन बन गया, केरला का मुख्य न्यायाधीश कौन है। चलो एक बार ना पहले बता देते हैं, इसका राजधानी आपका त्रिवेंद्रमपुरम है, मुख्यमंत्री कौन है यहां के, पिनारई विजयन, और क्या बताना है मुख्यमंत्री, राज्यपाल बताना है ना, आरिफ मोहम्मद खान, केरला के मुख्य राज्यपाल है। अच्छा चलो एक बात, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे केरल का चीफ जस्टिस कौन है, और आपके सामने ऑप्शन ऐसे रहे 1, 2, 3 और 4, आपके सामने ऑप्शन क्या रहेगा, देखो अभी कमेंट करोगे बहुत जन कॉपी मार दोगे, आप सोचो एग्जाम में बैठे तो आप सभी क्या बोलेंगे। ऑप्शन है आपके सामने एस मणि कुमार, ऐसे रहेगा भाई, ऐसे रहेगा,
संजय यादव, विक्रम नाथ, ऐसे रहेगा दीपंकर दत्ता। आप क्या बोलकर निकल जाइएगा? आप बोलेंगे भैया हम पढ़े ही नहीं है। आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं याद करवा रहा हूं। आंसर क्या बोलोगे? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया केरला के चीफ जस्टिस कौन है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा हमारा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, और सभी कमेंट करना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या होगा हमारा? एस मनी कुमार। अच्छा बाकी के बारे में पता है क्या भैया? आपने ना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश, ये सब भैया आप रात को 11:30 बजे वाले क्लास में याद करवा दिए। संजय यादव मध्य प्रदेश का है भैया, विक्रम नाथ भैया गुजरात का है, दीपंकर दत्ता आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का है। भैया कुछ भी पूछो ना आंसर बोल दोगे, ये कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर लेकर आना है। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक टाइप का स्टूडेंट पता है क्या बोलेगा, उनको पता ही नहीं हमको पढ़ना क्या है, हमको एग्जाम से पहले पढ़ना क्या है, मैथ टीचर पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है, उनको पता ही नहीं हमको पढ़ना कितना है, हमको कहां तक पहुंचना है। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए जितने भी। और एक टाइप का स्टूडेंट ये भी मिलेगा आपको एग्जाम से पहले, पता क्या बोलेगा, ये चीफ जस्टिस ना, ये आपका कैपिटल जितने भी कंट्री का है, राज्य का है, सीएम जो है, प्रेसिडेंट जो है, पीएम जो है, इस्टेब्लिश किसी भी बैंक का कब हुआ था या किसी भी संस्था का कब हुआ था, या फिर गवर्नर, चीफ जस्टिस आप बोल सकते, या लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, बैंक के बारे में बोलेगा ना। एग्जाम से पहले एक बार पीडीएफ पढ़ लूंगा। अब एग्जाम से पहले यूट्यूबर को या टीचर को पता है, बच्चे ना इससे डर रहे हैं। अब एक वीडियो आएगा भारत के राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची देख ले, अब बच्चा डरा हुआ है, अब सूची को बहुत ध्यान से देख रहा है। अरे आप एक बार देख रहे हो एग्जाम से पहले, एक बार आपको मैं डेली पढ़ा रहा हूं, पर डे ये सब चीज आपके रग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बोलो इसका। इंडेक्स लिस्ट दे दूंगा, भारत ने वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पर 53 देशों के स्थान क्या पाया है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 46, 45, 40 और आपका 51। अच्छा एक बात और, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या होता है? कॉपीराइट, ये जितने भी कॉपीराइट आते हैं ना, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते फिजिकल। मान लो आपके सामने ये कप है, मान लीजिए आपके सामने ये कप है। बहुत जल्दी चल रहा है क्या, बफर नहीं कर रहा है ना। मान लो आपके सामने ये कप है, इस कप का कॉपीराइट होता है क्या? ये भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम छू रहे हैं, जो चीज छू नहीं सकते, संगीत महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई संगीत बनाता है बहुत यूनिक संगीत, यानी वैसा संगीत आज तक कभी नहीं बना, तो उसका एक कॉपीराइट आता है, यानी वो भारत में ही बना है। इस मामले में, नए नए टेक्निक के मामले में, इंडिया का रैंक कितना है आप बताओ? 46, 45, 40 और 51। टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका अमेरिका है। इंडिया का रैंक कितना है? कमेंट्स देखना बनता है यार, कॉपी पेज पूरा उड़ रहा है। चलो इसका आंसर बोलो क्या होगा हमारा। बहुत बढ़िया, 40 ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर। किसान 2019 में सबसे मूल्यवान से सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान पर बरकरार कौन रखा है? अच्छा, 2019 का मोस्ट वैल्यूएबल, बेन स्टोक, विराट कोहली, केन विलियमसन और बाबर आजम। अच्छा, ये चारों के चारों क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, विराट कोहली इंडिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए, चारों के चारों टॉप क्लास प्लेयर है। अगर बैट्समैन की बात करूं तो आज के डेट में सबसे टॉप क्लास प्लेयर यही है। और इसमें एक ऑप्शन और जोड़ दो, जोए रूट इंग्लैंड के। इनसे अगर आज के डेट में कोई स्टार प्लेयर जो होता है बैट्समैन, टेक्निक के मामले में यही चार बैट्समैन है। आपको बताना है सबसे टॉप पर कौन रहा है आपका मूल्यवान में। आंसर फटाफट थोड़ा, क्या बात है भाई, बहुत सही यार, पता था आप यही आंसर बोलोगे, इसमें डाउट तो आएगा ही नहीं, आपका इंडियन टीम के कैप्टन विराट। अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर बताना है
तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी दिसंबर 2020 में भारत पहुंच जाएगी, उसका नाम क्या है? विवेक, विक्रमादित्य, विराट या कर्णाज? फटाफट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्णाज। अगला सात नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, भारत को रूस S-400 मिसाइल वितरण किस वर्ष के अंत तक शुरू होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन के बारे में जानना चाहिए आप सभी को। बताओ रशियन S-40 मिसाइल डिलीवर टू इंडिया फ्रॉम विच सिटी 2021? रट्टा मार लेना, टाइम दे रहा हूं, कमेंट करते रहना। CAB के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत सिंह, अभिषेक सिनासिस गांगुली या अमित चौहान? फटाफट फटाफट इसका आंसर, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक डालमिया। ये जो जगमोहन डालमिया थे ना, उनके बेटे हैं ये। जगमोहन डालमिया बहुत बड़ा हस्ती क्रिकेट के जगत में, जिनका निधन हो गया है। बोला जाता है जब इंडियन टीम के कैप्टन सौरव गांगुली थे ना, उनके ऊपर बहुत हाथ था जगमोहन डालमिया का। बाद में उनके ऊपर स्कैम भी लगा, ICC के प्रेसिडेंट भी बने थे, BCCI के बने से सारा पद छीना गया स्कैम को लेकर। लेकिन बहुत अच्छे थे, ये भी बोल सकते हो। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नौ नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने किस वर्ष के अंत तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य रखा है? आंसर 2021। अच्छा एक करंट से मैं क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जाम में आप सभी को मैंने सुबह 4:30 वाले क्लास में करवा दिया है, अगर एग्जाम में पूछे कि 100% सोलर किस हवाई अड्डे में इस्तेमाल किया गया है और पूर्ण रूप से पहला हवाई अड्डा कौन सा है इस धरती का, इस वर्ल्ड का, जहां पर 100% सोलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है? कोची एयरपोर्ट भाई, याद रखना ये वाला केरला में है। लेकिन एक करंट में एक क्वेश्चन और करवाएं आप सभी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके द्वारा बनाया गया कौन सा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर है? तो पुडुचेरी एयरपोर्ट, यह भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इस एयरपोर्ट को कोची एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा विकसित किया गया है, इसको विकसित किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 100% सोलर आपका पुडुचेरी एयरपोर्ट, लेकिन वर्ल्ड का तो आपका कोची एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, डाउट क्लियर रखना। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2022। दस नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, कितने? 43, 39, 35 और 40। फटाफट क्वेश्चन एक रट्टा मार लेना, मुझे याद हो गया है एक एक क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? मेगा फूड पार्क की मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी यहां पर संपदा योजना है ना, इसका मतलब कोई बात नहीं। कितना आपका? ऑप्शन नंबर बी 39। रट्टा मार लो आप सभी। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोला? किस कंपनी ने रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए पहली बार अनुबंध किया है? विच कंपनी हैज साइंड ए फर्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्टिंग निर्यात के लिए, यहां पर आयात के लिए रशियन क्रूड ऑयल का जो है इस्तेमाल किया गया है? गेल, ONGC, IOC और HP। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अब देखते चलना आंसर क्या होगा इसका फटाफट। क्या बात है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही है भाई। हाँ मैं तो बोल रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड करा रहा हूं। मैंने कब बोला कि मैं स्पीड नहीं करवा रहा हूं, लेकिन आपको फटाफट देखते चलना है। आप घड़ी मिला लो, आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आने के बाद आपको कम से कम 30 सेकेंड का टाइम तो मैं दे ही रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IOC। अगला 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, 2020 के अंत तक कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ATM नेटवर्क बनाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सब। 2020 के अंत तक कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ATM नेटवर्क बनाएगी? टाइम दे रहा हूं, फोन पे, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
भाई टीवी देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हैं तो पता चल गया होगा, आलिया भट्ट फोन पे करो, देख रहे ना, और साथ में आमिर खान भाई देखते रहना ये सब चीज। एग्जाम में गलती मत कर देना, अगर एग्जाम में ऑप्शन दे अमिताभ बच्चन, देख रहे हैं ना फोन पे क्या एड चल रहा है, एक पुलिस वाला रहता है उसमें कौन स्टार रहते हैं, आलिया भट्ट और आपका ब्रांड आमिर खान, ये ब्रांड एम्बेसडर है फोन पे के। और 2020 के अंत तक कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क बनाएगी, तो वो है आपका फोन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, नबार्ड ने किस वर्ष के लिए 34,421 करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला। एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी बोले, पहले आपको बताना है नबार्ड का गठन कब हुआ था, 1982 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जी आर चिंटाला। हेडक्वार्टर मुंबई, रट्टा मार लेना। बहुत दिन तक हर्ष कुमार भनवाला इसके चेयर पर अध्यक्ष थे। नबार्ड के बारे में पूछे ना, आप मत बोलना भैया आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बाहर बनाए, एक एक चीज करवा रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा हमारा बताओ, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला, फटाफट। सही है, ये प्रिविजन पहले भी करवा चुका हूं। छत्तीसगढ़ आंसर बोल रहे हैं आप सभी, केरल केरल केरल। अरे बाप रे, इसका मुंह काला करो आप सभी, कभी भी ना माइंड में डाउट मत रखना, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राजधानी तो सभी को पता होगा रायपुर। रामचंद्रन मेनन यहां के कौन है? यहां के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन मेनन। भूपेश बघेल बीबी यहां के मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के जो क्या बोलते हैं राज्यपाल अनसुईया उके, ये भी याद रखिएगा आप सभी। और क्या बताना है, रायपुर लोकसभा सीट और आपका राज्यसभा सीट, याद रखिएगा आप सभी। यहां पर लोकसभा सीट कितना है, 5 और 3, ये 5 और 3 बोल रहा हूं, दिमाग गया है मेरा भी, कहां चला गया, अरे एक बार देख लेते हैं, रुकिए। अच्छा वीडियो रुक गया है क्या? नहीं, कहां चल रहा है, कमेंट्स भी शो नहीं हो रहा है। एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो रुका हुआ है क्या? अरे यार, बोला फोन मेरा कहाँ है, कमेंट शो नहीं हो रहा यार। अब दिख। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो सही चल रहा होगा, क्योंकि यहां पर ना
YouTube का वो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, अभी फाइनली स्क्रीन जो है वो दिख रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना, मैं कमेंट जो है यहाँ पर एक्टिव कर दिया हूं। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या था हमारे सामने देख लो, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया हो तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला था हमारा। नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 34,421 करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला। आंसर क्या होगा इसका, आपका छत्तीसगढ़। अच्छा, नाबार्ड का गठन कब हुआ था, 1982 को। नाबार्ड का चेयरपर्सन एग्जाम में पूछेगा, हर्ष कुमार बनवाला पहले था, जीआर चिंटाला, ये आप याद रखिएगा और कमेंट करते रहना क्योंकि मुझे कम से कम वीडियो बीच बीच में दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक बात, नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ रायपुर, रामचंद्रन मेनन यहां के मुख्य न्यायाधीश है, अनसुईया उके यहां की कौन है, अनसुईया उके राज्यपाल, भूपेश बघेल कौन है यहां के मुख्यमंत्री है, 11 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है कितने बिलियन आंध्र प्रदेश सरकार को देगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, 7, 6.5, 4.5 और 3.5। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है, हेड प्रेसिडेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, जिन लिंकिन, ये आप पढ़ लेना भाई, चाइना के हैं, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ लेना, काफी बार बताया हूं, 25 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीट। मेरा नाम जितेंद्र कुमार महेश्वरी, यहां के मुख्य न्यायाधीश विश्वभूषण हरिचंदन, यहां के राज्यपाल जगन मोहन रेड्डी, यहां के मुख्य और यहां के मुख्यमंत्री, और राजधानी सभी को पता है अमरावती। देखते रहना, बताते रहना, अगर कहीं पर भी बफर करे, इस बार मैं बिल्कुल बफर नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल, मुझे लगा बीच में वो हिल गया था ना, समझ में नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या होगा हमारा। बिल्कुल भाई, आप सभी कमेंट करते रहना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एक बार कमेंट करते रहिएगा आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल 3 फटाफट 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2019 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये सब क्वेश्चन ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बताओ, नीलेश पंत, एनएस धर्मशक्तु, नागेश मेहता या आनंद भटिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट इसका आंसर, थोड़ा सा बफर करेगा, आप सभी कमेंट करते रहिएगा। चलो, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है आप सभी को, मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है। कहने का मतलब है ना, ये मिस्टिक कलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 में किसे दिया गया है। एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा, मिस्टिक कलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। आपके सामने यही 4 ऑप्शन होंगे। अब आप बोलोगे भैया करंट अफेयर में ये क्वेश्चन करवाए नहीं है, कहां करवाए, आपको मैं दिखाऊंगा एनटीपीसी के दिन, देखो मैंने करवाया है। आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मनोज दास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रिकॉर्ड सेटिंग रहने के बाद नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने पृथ्वी पर लौटे हैं। यानी आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष पर रहने वाले सबसे ज्यादा दिन, 328 दिन तक रहने वाला कौन सा एस्ट्रोनॉट है जो रिकॉर्ड बनाया है। भाई ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। एसएससी का जो 2020 का एग्जाम हुआ था ना मार्च के महीने में, उसमें क्वेश्चन ये बन चुका है। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चेनिया कोच, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी के लिए जूनियर नेशनल फुटबॉल जीता है, आपको बताना है। अच्छा, चैंपियनशिप, एक बात याद रखिएगा, और एग्जाम में यह भी पूछता है आपका, बीसी रॉय एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, बीसी रॉय चैंपियनशिप या किस खेल से जुड़ा हुआ है, आप सभी क्या बोलिएगा, यह जुड़ा हुआ है आपका फुटबॉल से, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। एक फुटबॉल से क्वेश्चन और बनता है, दुरांद कप
काफी बार क्वेश्चन बना है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसका भी आंसर क्या होगा आपका, फुटबॉल। याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। जल्दी जल्दी बिल्कुल भाई कमेंट्स आप सभी करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि क्लास बिल्कुल सही चल रहा है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, जितने भी हाई कमिश्नर है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, जो करेंट अफेयर में चर्चा का विषय रहे वही पढ़ना है। हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सुदेश बर्मन, कमल किशोर, अजय बिसारिया या आपका संजय सिन्हा। जल्दी से, अजय बिसारिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 20 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप सभी अच्छे से देखिए, थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं ताकि करेंट अफेयर पूरा जल्दी से रिवीजन करना है, डिटेल में तो सुबह पढ़ा ही रहे, यहां पर क्वेश्चन को फटाफट कवर करना है। किस भारतीय राज्य ने तीन पुष्ट मामलों के बाद कोरोना वायरस के प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया था। भाई सबसे पहले यह आपको पता है ना, साउथ से सबसे पहले यह बीमारी फैली थी, हालांकि दिल्ली में भी केस आया था, लेकिन सबसे पहले इमरजेंसी आपदा घोषित करने वाला केरल राज्य था आपका, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, एस मनी कुमार, दूसरी बार बता रहा हूं आज, यहां के कौन है मुख्य न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम, राजधानी आरिफ मोहम्मद खान, यहां के राज्यपाल पिनारायी विजयन, यहां के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा देखो, ये हाई कमिश्नर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो कम से कम ये सब चीज आप देखते रहना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रीलंका का हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, श्रीलंका के मुख्य प्रधानमंत्री का नाम महिंदा राजापक्षा, इनका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षा, ठीक है। जयवर्धनेपुरे कोटे यहां का राजधानी, और यहां का मुद्रा श्रीलंकन रुपीस, और उनको किनका नाम है, इनका गोपाल बागले, ऑप्शन नंबर हमारा सी। आप देखते चलो कितने आंसर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मत सोचो, अगर क्वेश्चन आप सभी से नहीं बन रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, करेंट अफेयर ही आपका इज्जत बचाएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये लिमिट के अंदर है, बंधा हुआ है। आपको पता है अगर इतने दिन का पढ़ा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन पूरा सटीक मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीके तो भंडार है। इस किस शहर में निर्भया फंड योजना के तहत एक डीएनए विश्लेषण केंद्र स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पुणे, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और चंडीगढ़, बताओ। बिल्कुल कमेंट्स करते रहिएगा आप सभी। नई दिल्ली, देखो यहां पर भी बहुत जन नई दिल्ली बोल रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, इसको काट दीजिएगा आप सभी, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का हिस्सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट दैट विल बी सेट अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसका सारा भार कौन से ट्रस्ट को दिया गया है, श्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अच्छा उसके बाद श्री राम सेवा समिति, या फिर श्री राम जन्मभूमि कल्याण क्षेत्र। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट्स तो देखना बनता है, बताओ। जज करना है आप सभी को, अयोध्या कहां पड़ता है, अयोध्या भैया ये पड़ता है आप सभी का भैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 31,
उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? गोविंद माथुर, आनंदीबेन पटेल यहां की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की भी, योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री, राजधानी लखनऊ। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पर बोला है आप सभी को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2040 तक किस बीमारी के मामले में 81% तक जो है वो बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस कैंसर, ये वायरस है ये भी, या HIV, क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, 2040 तक किस बीमारी के मामले में 81% तक की बढ़ोतरी होगी? आपका कैंसर। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये SSC के एग्जाम में बन चुका है 2 दिन पहले। इसका विषय क्या था, थीम एग्जाम में पूछता है आप सभी से, ये भी करवा चुका हूं मैं सभी, I am and I will, ये भी करवा चुका हूं, I am and I will, ये विषय है, ये सब चीज जो करवा रहा हूं ना आप, देखो एक बात मैं बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको तो आप देखो, और जितना एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं इसको आप देखो। आप देखना एग्जाम में ना 3 से 4 शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा हर शिफ्ट में, जो एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का 13वां प्रमुख बंदर का कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर हमारा बी, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। भाई 60-70 बार बता चुका हूं ये सब चीज महाराष्ट्र के बारे में। दीपंकर दत्ता यहां के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। उद्धव ठाकरे कौन है? यहां के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये सब चीज देखते चलो। 26 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए तो रुकना बनता है। किस देश ने मुख्य भूमि चीन के बाहर उपन्यास कोरोना वायरस के मामले की सबसे अधिक संख्या बताई है? ये क्वेश्चन छोड़ दो आप सभी, क्योंकि कोरोना वायरस से पुराना केस हो चुका है, इसको तो आप हटा दो, ये क्वेश्चन पर आओ। किस देश के सैन्य बलों ने कथित रूप से अलकायदा के यमन नेता कासिम अल रिमी को मार डाला है? SSC का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, पहले COVID-19 से पहले, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। रशिया, US, जर्मनी और जापान, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में बहुत रहा था ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा बी, US। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने गांव का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन तैनात किया है? अच्छा, आज के डेट में बहुत सारा क्या हो रहा है ना, कि गांव में जितने भी जमीन है उसके मैपिंग के लिए, उसके नक्शे नापने के लिए, किसका कितना जमीन है, ये सब डाटा अब सरकार जो है ना अपने पास रिकॉर्ड रखेगी, और ये डाटा जो है वो ऑनलाइन जो है वो डाल दिया जाएगा। किसके नाम पर जमीन है, ये जो जितने भी ऑनर है जमीन के, अब वो भी वो देख सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में फरवरी के महीने में कौन सा स्टेट था जो ड्रोन के सहायता से हर गांव के जमीन को जो मैपिंग करा था? आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका भी, मध्य प्रदेश का राज्यपाल 29-11, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, संजय यादव यहां के मुख्य न्यायाधीश है। भोपाल SSC शिवराज सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश, आनंदीबेन पटेल यहां की राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, क्या कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुसंधान दल का नेतृत्व करने वाला भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु इज लीडिंग द रिसर्च टीम टू डेवलप द COVID-19 वैक्सीन? जो राम कपूर, PAK पिल्लाई,
KL कलटक्कर या SS वसन, फटाफट जल्दी करवा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं ताकि पूरा करंट अफेयर कवर करना है, थोड़ा सा आप टाइम लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी SS वसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? अच्छा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या आपका केरला? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 38, राज्यसभा सीट आपका 18। बनवारी लाल पुरोहित यहां के कौन है मुख्यमंत्री? क्या बात कर रहे हैं भैया, गलत बोल रहे हैं ना, राज्यपाल है तमिलनाडु का। इड्डापड्डी के पलनीस्वामी कौन है? यहां के मुख्यमंत्री है। ये सब चीज आप सभी कम से कम रट्टा, मतलब रट्टा मार लेना रट्टा। अब आपको बताना है कमेंट कर यहां के चीफ जस्टिस कौन है, ये आपका काम है। चेन्नई राजधानी सभी को पता है, किसी को याद है तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम कौन? मेरा भाई बताएगा जल्दी से। और कहीं पर भी वीडियो अगर रुकता है आप सभी कमेंट करना, जितने लोग भी देख रहे हैं। क्या होगा? अभय श्रीनिवास ओका। कहां का है? जस्ट बगल में कर्नाटका, उसके जस्ट बगल में जाओगे केरला। केरला का मुख्य न्यायाधीश कौन है आप सभी का? एस मणि कुमार। जस्ट बगल में कौन है आंध्र प्रदेश? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तमिलनाडु का कौन है आपका? अमरेश्वर प्रताप शाही। ये चार चीज साउथ का याद कर लो, ऐसे याद कर लो। यहां कौन है आपका? अमरेश्वर प्रताप शाही। चारों चीज याद कर लेना, आंध्र प्रदेश का जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तमिलनाडु का अमरेश्वर प्रताप शाही, अभय श्रीनिवास ओका, ये कहां का है? कर्नाटका का। और मैंने क्या बताया? केरल। केरल का एस मणि कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस 2020 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पटना? आंसर के हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस 2020 पर एक राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। मुंबई के बारे में सभी को याद करवा दिए हैं 48 और 19। मुंह पर बोलिए, भगत सिंह कोश्यारी मुख्य न्यायाधीश, अरे मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूं क्या, राज्यपाल है। अच्छा यहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। दीपंकर दत्ता गोवा और बॉम्बे का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जितना भी महाराष्ट्र का केस है यहां पर सॉल्व होता है, और गोवा का भी यहीं पर। और क्या बताना है? मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र का, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोला है आप सभी को आईओसी का सामान्य उल्लेख पाने वाला पहला भारतीय कौन है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे ना पहला भारतीय वो क्वेश्चन अमर है, आजीवन इंडियन बोल रहा हूं ओलंपिक कमेटी का सम्मानित उल्लेख पाने वाला तो आपका पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु के कोच भी रह चुके हैं और ये खुद खिलाड़ी रह चुके हैं। क्या होगा आपका? पुलेला गोपीचंद। अगला 33 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, भारत 15-16 फरवरी 2020 को इस राष्ट्र के सहयोग से अपने पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी करेगा। अच्छा 16 फरवरी को किस राष्ट्र के सहयोग से भारत जो है अपने पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी किया था? रशिया, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा?
टाइम भैया ज्यादा ले रहे हो, इसमें भी टाइम ज्यादा ले रहे हैं, इतना स्पीड करवा रहे हैं देखो ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो पाए, इसमें भी टाइम ज्यादा लग रहा है आप सभी को। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़राइल। इज़राइल के बारे में सब बता चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू यहां के कौन है? राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछे तो मत बोलना भैया बताए नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइली शकील, यहां का मुद्रा है जेरूसलम, यहां का जेरूसलम क्या है? यहां का राजधानी। और बेंजामिन नेतन्याहू ना राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका आंसर आप सभी को देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था आप सभी से, इसका आंसर बताओ आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाते हैं? 11 फरवरी को, 10 फरवरी को, 8 फरवरी को या 12 फरवरी को? बताओ। 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर रविशंकर झा यहां के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। किस राज्य के रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश है? आप बोलेंगे बिहार का तो संजय करोल है, उत्तर प्रदेश का गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश है, पंजाब और हरियाणा दोनों अपना मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट में साझा करते हैं, और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? आपका रवि शंकर झा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा आप सभी, आंसर क्या होगा हमारा? पंजाब नहीं, आंसर हरियाणा होगा। हरियाणा में लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5। और एक बात याद रखना है हरियाणा को लेकर, चंडीगढ़ राजधानी वो तो सही है, मनोहर लाल खट्टर मुख्य न्यायाधीश, अरे मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये सब चीज कम से कम एग्जाम से पहले गांठ बांध लेना। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 से सीएफएल और फिलामेंट बल्ब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? अब जो भी बल्ब आता है एलईडी बल्ब आता है, पहले सीएफएल बल्ब आता था, अब उसको बंद किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल या केरला? आंसर आंसर केरल। केरल के बारे में चौथी बार बता रहा हूं, 20-9 एस मनी कुमार, बहुत बढ़िया भाई, पिनाराई विजयन, त्रिवेंद्रमपुरम राजधानी, और क्या बताना है? लोकसभा सीट बता दी है, आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में FIH हॉकी द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा हमारा? भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लेना। आंसर क्या होगा हमारा? फ्रेडरिक बटाला, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला, सार्वजनिक उद्यम संरक्षण 18-19 में किस कंपनी को सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक उपकरण के रूप में नामित किया गया है? एयर इंडिया, एनटीपीसी, बीएसएनएल और ओएनजीसी। जल्दी से आंसर, टाइम कितना हो रहा है? 12:15, कोई नहीं, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ओएनजीसी। अगला 39 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के अनुसार कौन एक रुपए के नोट के ऊपर, एक रुपए करेंसी के ऊपर उनका साइन होगा? किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नई गाइडलाइंस के अनुसार, तो किसका?
फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव का, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर लेवल? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में काफी बार बता चुका हूं, सबको याद हो गया होगा। 80 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 31। गोविंद माथुर यहां के मुख्य न्यायाधीश है, आनंदीबेन पटेल यहां की राज्यपाल है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और लखनऊ यहां का राजधानी है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये सारे क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का, आज 45 मिनट क्लास करवाएं, कल शुक्रवार है ना, कल थोड़ा खाना पीना खा कर आइएगा क्योंकि कल पूरा फरवरी जो है वो खत्म करेंगे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, एक बात बताओ, आपने आज कितना क्वेश्चन गलती बोला है? एक बार ईमानदारी से कमेंट्स करिए, मैं देखूंगा कितने क्वेश्चन आपके गलती हुए। करेंट अफेयर में डेली आपको जज करना है कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। एक बार कमेंट करो कितने सही, छोड़ दो सही तो ज्यादातर हुआ होगा, कितने गलत हुए एक बार कमेंट करिए। मुझे एक चीज देखना है ये वाला, आप सभी के द्वारा करो कमेंट्स। चार, एक भी नहीं, रट्टा मारेंगे, रट्टा मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो बोलता हूं ना, सही है, मैं तो हमेशा बोलता हूं ज्यादातर क्वेश्चन सही होगा, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको बहुत अच्छे से देखो और एक बार कल जब पीडीएफ दूंगा ना, टाइम निकालकर पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो एकाध दो क्वेश्चन तो गलती होना बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर आप फरवरी में 300-350 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें एक दो क्वेश्चन गलती हो जाए तो बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 20-25 क्वेश्चन गलत हो जाए फरवरी के महीने में तो सोचने वाली बात है। सुबह 4:30 वाले क्लास में एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिना क्वेश्चन छोड़े पीडीएफ दे रहा हूं, एक बार रिवीजन कर लो, गलती का चांस ही नहीं है। यहां पर रिवीजन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, चलो, क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है ना।